यहाँ पलाश के फूलों से बने रंग से होली खेलेंगी माँ दंतेश्वरी। माँ दंतेश्वरी पलाश के रंगों से तैयार रंग से होली खेलेगी। इसके लिए बोरियों में टेसू के फूल एकत्र कर शक्तिपीठ लाया जा रहा है। इन फूलों को उबालकर रंग तैयार किया जाएगा। चिकित्सकों के जरिए लगातार रासायनिक रंगों का उपयोग न करने की सलाह लोगों को दी जा रही है। बावजूद इसके बाजार से रासायनिक प्रक्रिया से तैयार रंग और गुलाल खरीद कर लोग होली खेल अपनी त्वचा खराब करते हैं, लेकिन बस्तर का आदिम समाज आज भी परंपरागत रंगों का उपयोग कर माई जी के साथ होली खेलता है। बुधवार रात होली का दहन किया जाएगा, वहीं गुरुवार को रंग भंग के साथ होलिकोत्सव मनाया जाएगा। टेसू के फूलों को उबालकर रंग बनाने की प्रक्रिया वर्षों पुरानी है। इस रंग को पवित्र माना जाता है। दंतेवाड़ा में आयोजित फागुन मड़ई के बाद होली के दिन इस रंग का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। बुधवार की सुबह सेवादारों के जरिए तैयार रंग और सूखे टेसू फूलों से तैयार गुलाल माँ दंतेश्वरी को अर्पित किया जाएगा। यही रंग और गुलाल विभिन्न गांवों से आए देवी देवताओं पर छिड़का जाएगा। प्रधान पुजारी हरिहरनाथ के मुताबिक टेसू फूलों से रंग गुलाल बनाने की प्रथा 800 वर्षों से यहां जीवित है और इतने ही वर्षों से इनका अर्पण होलिका उत्सव में माई जी को किया जाता है।